की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। अगस्त में आईआईपी ग्रोथ गिरकर 22 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में आईआईपी ग्रोथ 4.7% से गिरकर माइनस में चली गई है, ये माइनस 0.1% पर आ गई है। कैपिटल गुड्स के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा गिरावट है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ 11.8% से घटकर 0.7% पर आ गई है। वहीं माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी गिरावट आई है। माइनिंग ग्रोथ 3.8% से घटकर माइनस 4.3% पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.4% से घटकर 1% पर आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी बड़ी कमजोरी दिख रही है, ये 7.9% से घटकर माइनस 3.7% हो गई है। टाटा ग्रुप कंपनियों की होल्डिंग इकाई टाटा ट्रस्ट ने अपना नया चेयरमैन चुन लिया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया है, वो रतन टाटा की जगह लेंगे। आज मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। नोएल टाटा सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन के पिता नवल टाटा की दो शादियां हुई थी। नवल टाटा को पहली पत्नी से दो बेटे रतन टाटा और जिमी टाटा हुए और दूसरी शादी से नोएल टाटा। नोएल टाटा ग्रुप कंपनियों के से पहले से ही जुड़े हुए भी रहे हैं। और टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने पर नोएल टाटा ने कहा है कि वो इस जिम्मेदारी और भरोसे के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो रतन टाटा और टाटा ग्रुप के फाउंडर्स की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, साथ ही देश के विकास के लिए ट्रस्ट के योगदान को जारी रखेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं टाटा फैमिली पर किताब लिखने वालों का नोएल टाटा के बारे में क्या कुछ कहना है। Beautiful thing about the whole Tata story, you know, that message that we need to get out there, that it is possible to be, you know, a compassionate capitalist. It's absolutely nothing wrong about making money. Noel has demonstrated that. It's a very exciting, and it's a perfect combination, Noel and Ratan, you know. Noel and Chandra. I mean, Chandra is such a call to action to really performance enhance businesses and really drive them, whereas Noel will have a chance now to sit back and plot the strategy and work, you know, in giving sort of strategic guidance as to the direction that Chandra will execute on. When Ratan Tata was with his mother in US when she was undergoing treatment, he prepared a note. It's a bit lengthy note where Tata should be going and looking forward. So some of the areas he had talked about was nanotechnology, the semiconductor, the oil exploration, the aviation, and things were not so smooth for him when he took over, because there were many satraps and the powerful guys, and they were controlling their own empires. So things are much more easier for Noel Tata to take it forward to whatever areas he must be thinking about. And this is actually a wonderful opportunity compared to Mr. Ratan Tata. और अब करते बाजार की बात। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 230 पॉइंट गिरा, 81,381 पर बंद हुआ। निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,964 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा मेटल आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। रियल्टी बैंकिंग ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिला। इस समय में बाजार में मौके हैं पर संभलकर निवेश की सलाह है, ये कहना है prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने यह भी कहा कि वो मेटल के लिए बुलिश हैं। मार्केट जिस प्रकार के वॉलिटिलिटी से गुजर रहा है, लेने की हिम्मत जल्दी हो नहीं रही। ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा मैं कि मौके नहीं है, मौके हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के स्टैगर्ड फैशन में लेना पड़ेगा। मेटल्स की जो रैली है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, हमने उस टाइम जब बात नहीं हुई हमारी 15 दिन से, बट ये जो मूव चाइना के स्टिमुलस को लेके आया, ये हो सकता है कि ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, क्योंकि जो यूएस में माहौल है, जो यूरोप में एक रिवाइवल सा दिख रहा है, सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में है,
बट वो हर सेक्टर में आने से पहले धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। वो जो रिवाइवल है उसको लेके अगर कमोडिटीज में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू होती है तो आपको नॉन फेरस यानी जो आयरन को छोड़ के बाकी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीजों में, और खास करके जो एल्यूमिना के सेटअप को देख के हो रही है कि सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है धीरे धीरे, आपके पास जो सप्लाईज आ रही थी अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, वो घटती जा रही है, तो चाइना के पास है नहीं और चाइना को भी इंपोर्ट करनी पड़ी। तो नैल्को देखिए आप, नैल्को पिछले 4 दिन से बहुत बढ़िया एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है और मुझे लगता है ये दौर काफी लंबा चल सकता है।